नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वी गोल क्यों होती है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय की गहराइयों में जाना होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर पृथ्वी गोल क्यों होती है। पहले हमें समझना होगा कि पृथ्वी है क्या। पृथ्वी हमारी ग्रह है जहां हम रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी इतनी बड़ी होने के बाद भी गोल क्यों है। पृथ्वी का गोल होना उसी गति से जुड़ा हुआ है। जब पृथ्वी बनने लगी थी तब उसमें गर्मी और दबाव के कारण एक चक्र बन गया। जब पृथ्वी गर्म गैसों से भरी हुई थी तो उसकी गति बढ़ गई और वो गोल हो गई। ये गति कैसे बढ़ती है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पृथ्वी के अंदर एक कोर होता है जिसे हम आयरन और निकल से बना हुआ मानते हैं। जब कोर गर्म हो जाता है तब वो चलने लगता है और इसे पृथ्वी की गति बढ़ती है। मगर ये गति सिर्फ कोर की वजह से नहीं होती है। पृथ्वी के ऊपर एक पतली परत होती है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। जब कोर की गर्मी क्रस्ट तक पहुंचती है तब क्रस्ट गर्म हो जाती है और इससे पृथ्वी की गति बढ़ने लगती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक हिस्सा था। पृथ्वी के ऊपर एक और भी परत है जिसे हम मेटल कहते हैं। मेटल बहुत ही गर्म है और वो जब मेटल की गर्मी क्रस्ट तक पहुंचती है तब क्रस्ट और गर्म हो जाती है और पृथ्वी की गति बढ़ने लगती है। इस तरह से पृथ्वी के अंदर की गर्मी और दबाव के कारण वो गोल हो गई है। ये एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया है दोस्तों, जो लगभग 4.5 अरब साल से चल रही है। तो ये था हमारा जवाब, पृथ्वी गोल क्यों होती है। पृथ्वी की गति के कारण वो गोल बन जाती है। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको और भी इस तरह के वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।